भगवान के भक्त में पवित्रता की पराकाष्ठा होती है। उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय, उनके आचरण और शरीर आदि इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्तालाप करने पर तो कहना ही क्या है, उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहाँ निवास करता है वह स्थान पवित्र हो जाता है और उसके संग में वहाँ का वायुमंडल, जल, स्थल आदि सभी पवित्र हो जाते हैं। इस वीडियो में आज हम भगवान के अतिशय प्रिय भक्त के कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ इस धार्मिक चर्चा का हिस्सा बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में कहा है, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर और भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दूसरों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी भक्त मुझको प्रिय है। परमात्मा को प्राप्त भक्त का किसी भी वस्तु से किंचित भी प्रयोजन नहीं रहता, अतएव उसे किसी तरह की किंचिन मात्र भी इच्छा, स्प्रिहा अथवा वासना नहीं रहती, वह पूर्ण काम हो जाता है। यह भाव दिखलाने के लिए उसे आकांक्षा से रहित कहा है। बिना इच्छा और आवश्यकता के भी प्रारब्ध से क्रिया हो सकती है, अतएव उसका जीवन प्रारब्ध से चलता है। अभिप्राय यह है कि उसके मन, वाणी और शरीर से प्रारब्ध के अनुसार संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी इच्छा, स्प्रिहा और संकल्प के स्वाभाविक ही होती रहती है, अतएव उसके जीवन निर्वाह में किसी तरह की अड़चन नहीं पड़ती है। भगवान का जो भक्त होता है वो पवित्रता की पराकाष्ठा होता है। उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय, आचरण और शरीर इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्तालाप करने पर तो कहना ही क्या है, उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहाँ निवास करता है वह स्थान पवित्र हो जाता है और उसके संग से वहाँ का वायुमंडल, जल, स्थल आदि सभी पवित्र हो जाते हैं। जिस उद्देश्य की सफलता के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है उस उद्देश्य को पूरा कर लेना ही यथार्थ चतुरता है। अनन्य भक्ति के द्वारा परम प्रेमी सबके सुहृद परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जन्म के प्रधान उद्देश्य को प्राप्त कर लेना है। ज्ञानी भक्त भगवान को प्राप्त है, यह भाव दिखलाने के लिए ही उसे चतुर कहा गया है। किसी भी प्रकार के सुख दुख हेतु प्राप्त होने पर भगवान का भक्त दुखी नहीं होता है, अर्थात उसके अंतःकरण में किसी तरह की चिंता, दुख या शोक नहीं होता है। भाव यह है कि शरीर में रोग आदि का होना, स्त्री पुत्र आदि का वियोग होना, धन गृह आदि की हानि होना इत्यादि दुख के हेतु तो प्रारब्ध के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं, परंतु इन सब के होते हुए भी उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। भगवान का जो भक्त होता है उसे सर्वारंभ परित्यागी कहा गया है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सभी भगवान की लीला है, सब उनकी माया शक्ति का खेल है। वे जिससे जब जैसा करवाना चाहते हैं
वैसा ही करवा लेते हैं। मनुष्य मिथ्या ही ऐसा अभिमान कर लेता है कि अमुक कर्म मैं करता हूँ, मेरी ऐसी सामर्थ्य है इत्यादि। पर भगवान का भक्त इस रहस्य को भली भांति समझ लेता है, इससे वह सदा भगवान के हाथ की कठपुतली बना रहता है। भगवान उसको जब जैसा नचाते हैं वह प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही नाचता है, अपना तनिक भी अभिमान नहीं रखता और अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता। इसलिए वह लोक दृष्टि में सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण सर्वारंभ परित्यागी ही है। इस धार्मिक चर्चा को हम विराम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय श्री कृष्णा।